हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ मेकअप बाय राशि सोनी। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जल्दी से एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। जिनको भी अपनी ब्राइडल बुकिंग्स करानी है वो करा सकते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स चल रहे हैं एंड यू कैन बुक मी फॉर योर स्पेशल वेडिंग डे। हेलो जानवी, कैसे हो? हाय, मैं बढ़िया हूँ, आप बताओ? मैं भी बढ़िया एकदम। एंड जानवी, आज आपका ब्राइडल मेकअप है, सो आप बताओगे कि आपको किस तरह का मेकअप चाहिए? मेरा लहंगा ब्राउन है और ये मेरी ज्वेलरी है जो मैंने अभी पहनी है, ठीक है। और मैं तो सोच रही हूँ कि थोड़ा ब्राउनी स्मोकी और न्यू लिपस्टिक और बिल्कुल सटल मेकअप बेस जो है, बिल्कुल सटल चाहिए, ठीक है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना थोड़ा। बिल्कुल श्योर। सो गाइज, अभी आपने देखा होगा कि हमारी ब्राइड की क्या डिमांड है और हम मेकअप उसी उन्हीं के अकॉर्डिंग करेंगे जो उन्होंने डिमांड किया है, और आप बताइएगा कि आपको मेकअप कैसा लगा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने इनको लेंसेज लगा दिए हैं। ये फ्रेश लुक के लेंसेज हैं गाइज, इन द शेड हेजल, जो आप जानते हैं कि काफ़ी मुझे पसंद है। सो गाइज, अभी मैंने क्या किया है, सबसे पहला जो स्टेप हमारा होता है, आप जानते हैं कि पहले मैं आई मेकअप से स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने क्राइलॉन का कंसीलर लिया है, आप कोई भी कंसीलर ले सकते हैं, जैसे टार्ट शेप का कंसीलर ले सकते हैं, हुडा ब्यूटी यूज़ कर सकते हैं, विच एवर यू वॉन्ट। एंड गाइज, मैं प्रेफर करती हूँ कि जब भी मैं आईलेट्स पे जो कंसीलर लगाऊँ वो काफ़ी एक्सपेंसिव ना हो, बिकॉज उसका कोई मतलब नहीं होता है। हमें सिर्फ एक कवरेज देनी होती है आईलेट्स को, ताकि हमारे आई शेडोज उस पर अच्छे से ब्लेंड हो जाएँ और उस पर सेट हो जाएँ। सो अभी मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मेरा जो रियल टेक्निक का फ्लफ़ी कंसीलर ब्रश है, मैं उसे अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ जो भी मैंने कंसीलर यहाँ अप्लाई किया है। अभी आप देख सकते हैं, मैं बहुत ही हल्के हाथ से मैं इनका जो कंसीलर है वो मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ। और हमेशा गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी आप अपने क्लाइंट्स के ऊपर या मॉडल्स के ऊपर किसी के ऊपर भी आई वर्क कर रहे हैं, हमेशा उनसे पूछ लीजिए कि ज़्यादा प्रेशर तो नहीं लग रहा है, सो दैट वो भी कंफर्टेबल हो जाएंगे और आप भी कंफर्टेबल हो जाएंगे। ये एक छोटी सी टिप है मेरी तरफ से जो आप फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, तो सबसे पहला स्टेप मैंने जो किया है, ये मैंने फॉरएवर 52 की ब्राउन पेंसिल ली है और मैंने यहाँ पे डी शेप फॉर्म बना दिया है। और उसके ऊपर मैंने क्या किया है, मैंने एक ब्राउन कलर का, डार्क ब्राउन कलर का आई शेडो मैं प्लेस कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, मैंने फ्लैट ब्रश यूज़ किया है ताकि मैं वो शेप अच्छे से बना सकूँ। और अब इसलिए मैंने क्रीम प्रोडक्ट के ऊपर पाउडर प्रोडक्ट रखा है, ताकि वो क्रीम प्रोडक्ट जो होगा वो पाउडर प्रोडक्ट्स के साथ सेट हो जाएगा। इसके बाद गाइस, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, मैंने एक स्मॉल सा फ्लफ़ी ब्रश लिया है और मैं अच्छे से यू नो उसको ब्लेंड आउट कर रही हूँ, ताकि वो आई शेडो हमारे देखने में यू नो ब्लेंडेड ना लगे, ऐसा ना हो। क्योंकि जब गाइस, चाहे वो मैट हो, चाहे वो शिमर हो, चाहे वो ग्लिटर आइज़ हो, चाहे आप कोई भी आइज़ करेंगे, प्लीज़ मेक श्योर कि जो हमने आई शेडोज़ पुट ऑन कर रहे हैं वो अच्छे से ब्लेंडेड हो, क्योंकि अगर हमारे आई शेडोज़ अच्छे से ब्लेंडेड नहीं होंगे तो वो अच्छा नहीं लगता है। एंड गाइज, आज मैंने सोचा हुआ था, मेरी ब्राइड ने भी सेम चीज़ सोची थी कि हम लोग मैट आइज़ करेंगे, जस्ट बिकॉज यू नो ये बहुत डिफरेंट सा मैं एक लुक करना चाहती थी, सो मैंने मैट आइज़ ही प्रिफर करी है। अब मैं क्या कर रही हूँ, जो मैंने ये पहले आइज़ पे यू नो स्टेप्स किए थे, यही सेम स्टेप्स मैं दूसरे आइज़ पे कर रही हूँ। तब मैं फिर से करके आपको दिखा रही हूँ, जस्ट बिकॉज कि अगर उस आइज़ में आपको समझ में नहीं आया, कोई डाउट होगा, सो इस आइज़ पे देख के आप अच्छे से समझ जाएंगे कि मैंने वो कैसे किया था। अब आप देख सकते हैं, मैं सेम प्रोसीजर फॉलो कर रही हूँ जो मैंने यू नो पिछली आईज़ पे किया था। एंड गाइज, अगेन मैं एक स्मॉल फ्लफ़ी ब्रश को लेके मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अब गाइज, कभी आपने नोटिस किया होगा कि मैट आईज़ करना, मुझे ऐसा लगता है कि मैट आईज़ करना यू नो शिमरी और ग्लिटरी आईज़ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जस्ट बिकॉज हमें ब्लेंडिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। एंड गाइज, मैट आई शेडोज़ के साथ ये होता है, जब भी आप पुट करेंगे सो आप देखेंगे कि अगर वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, वो तो एक लाइन बन जाएगी और वो बहुत ख़राब लगती है। अभी आप देखें, थोड़ा आई शेडो मेरे यू नो आईलेट क्रीज के ऊपर जा रहा था, तो वो भी मुझे हटाना पड़ा, जस्ट बिकॉज वो अच्छा लगे, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, चाहे वो आई मेकअप हो, चाहे फेस मेकअप हो, ये मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि ब्लेंडिंग के बिना मेकअप हमारा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सो गाइज, अभी आप देख सकते हैं कि मेरा ऑलमोस्ट आई मेकअप डन हो चुका है। सो अब हम बेस स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला स्टेप जो होता है बेस में, जैसे कि आपको पता है कि क्लिंजिंग बहुत ज़रूरी होती है, जस्ट बिकॉज जो भी फॉल आउट हमारे आई शेडो का होगा या कुछ भी होता है आई शेडो मतलब आईज़ के नीचे या फेस पे, तो हम उसको सबसे पहले क्लिंज आउट करते हैं। ये मैं वेट वाइप्स में यूज़ कर रही हूँ, ये मिमी की वेट वाइप्स है, आप कोई भी वेट वाइप्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे जॉनसन बेबी है एंड बहुत से ब्रांड्स हैं गाइज,
कोई भी वेवी वाइप्स आप यूज़ कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। एंड यस, अब उसके बाद मैंने क्या किया है, फेस को क्लीन करने के बाद मैं नेक को भी क्लीन कर रही हूँ अच्छे से, क्योंकि हमें नेक पे भी फाउंडेशन, हाइलाइटर सब कुछ लगाना होता है। सो दैट्स वाई आई एम क्लीनिंग द फेस एंड नेक बोथ। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये है टोनर का। ये मैंने रिकोट का टोनर यूज़ किया है। आपको पता ही है कि टोनर बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिफ़्रेश भी करता है और मॉइस्चराइज भी कर देता है फेस को साथ ही साथ। इसके बाद मुझे ना हल्का सा यू नो फॉल आउट अभी भी आइज़ के नीचे लग रहा था, तो मैंने क्या किया है कि मैंने हल्का सा मॉइस्चराइज़र लिया है और फिर मैंने वेट वाइप से उसको क्लीन कर दिया है। गाइस, जब भी आपको लगे कि आइज़ के नीचे ज़्यादा ड्राइनेस है तो आप हल्का सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके वेट वाइप या कॉटन से आप क्लीन कर सकते हैं। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि CTM, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये तीनों स्टेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मैंने क्लिनजिंग टोनिंग दोनों कर दी है। अब मैं अच्छे से मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। ये मैंने प्ल्यूम का मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया है और मैं उसको अच्छे से, पहले मैंने हैंड से ब्लेंड किया, फिर मैं अभी मैं ये लंडन प्राइम के ब्रश से मैं अच्छे से ब्लेंड आउट कर रही हूँ। अभी गाइज आप देख सकते हैं मुझे स्किन बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत मुझे ड्राइनेस लग रही थी, मैंने अच्छे से मॉइस्चराइज़ किया सो दैट हमारा जो मेकअप टर्न आउट होगा वो बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही अच्छा टर्न आउट होता है। और मॉइस्चराइज़र को जो गाइज होता है बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करिएगा विद योर फिंगर्स और विद द ब्रश एज़ पर योर प्रेफरेंस, लेकिन हमें अच्छे से ब्लेंड करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये प्राइमर का। ये मैंने प्ल्यूम का, नॉट प्ल्यूम, अब ये प्रॉश हो गया, ये प्रॉश का प्राइमर है एंड ये सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। अभी आपको पता है जैसे कि समर्स चल रहे हैं तो मैं सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर ही प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे सही लगता है। एंड यस, सो अभी इसको मैं अच्छे से फ्लैट ब्रश से मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ सो दैट उनके यू नो मर्ज हो जाए उनकी स्किन में और अच्छे से ब्लेंड आउट होगा तो अच्छे से हमारा फाउंडेशन भी सेट होगा। प्राइमर का क्या काम होता है गाइज, एक बैरियर हो जाता है हमारी स्किन पे और जो भी प्रोडक्ट्स हम फाउंडेशन, कंसीलर, करेक्टर जो भी लगाते हैं उनके बीच में एक ये बैरियर बन जाता है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है करेक्शन का, मैंने यहाँ पे एले गर्ल का ऑरेंज करेक्टर यहाँ पे यूज़ किया है और मैं अच्छे से करेक्ट कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं लगाया है, इतनी क्वांटिटी लगाया है जितना इनके फेस में रिक्वायरमेंट थी। गाइस, करेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे यू नो मेकअप का एक पार्ट है, लेकिन हमें उतना ही लगाना है जितनी रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं बहुत कम भी नहीं। आप देख सकते हैं मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा लेके और फिर मैंने ये कंसीलर, एक ब्रश है फ्लफी सा, उससे मैं ब्लेंड आउट कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि पिगमेंटेशन है और जहाँ से लगाने की ज़रूरत है बस वहीं वहीं लगा रही हूँ। और बस पहले आप थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लीजिए और फिर इसको आप इंक्रीज़ करेंगे तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर आप एक बार में बहुत ज़्यादा ऑरेंज लगा देंगे तो वो सही नहीं लगता है, तो थोड़ा थोड़ा लीजिए और उसको इंक्रीज़ करते रहिएगा। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ यू नो पिगमेंटेशन होती है गाइस हमारे स्किन पे, जैसे अराउंड द माउथ, फोरहेड और अंडर द आइज़, वहाँ वहाँ लगाया है। इसके बाद मैंने एक न्यूट्रल, उसको यू नो कलर को, ऑरेंज को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए मैंने एक डार्क कलर का कंसीलर, या आप कह सकते हैं उसको कंसीलर को हाइट करने के लिए एक ऑरेंजिश और डार्किश कंसीलर लगा दिया है। ये भी एले गर्ल का ही है और उसको मैं अगेन अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ ताकि हमारा जो ऑरेंज करेक्टर है वो हाइड हो जाए। और आप देख सकते हैं कि उसको भी मैं बहुत स्मॉल यू नो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी पे लेके फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ विद अ स्मॉल फ्लफी कंसीलर ब्रश। एंड गाइस, इसको अच्छे से ब्लेंड आउट कर देंगे हम। और अगर आपको और भी कहीं पिगमेंटेशन लगे तो आप वहाँ भी ये करेक्टर और यू नो करेक्शन कर सकते हैं। ये रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है और स्किन टोन पे, हर चीज़ पे डिपेंड करता है गाइस, क्योंकि अलग अलग स्किन और अलग अलग फेस का अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद मैंने ये क्या किया, डैम्प स्पॉन्ज लिया है और उससे मैं अच्छे से यू नो ब्लेंड कर दे रही हूँ जो भी मैंने करेक्शन किया है। अभी आप देख सकते हैं कितना न्यूट्रलाइज लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, इतना ही लगाया है क्योंकि जो पिगमेंटेशन है, डार्कनेस है, वो हाइड हो गई है अच्छे से। सो अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो फाउंडेशन का है गाइस। एंड अभी हम क्या कर रहे हैं, मैंने एक फ्लैट ब्रश लिया है, ये वेगा का ब्रश है और मैंने अच्छे से मैं फाउंडेशन को पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। अभी आप देख सकते हैं मैं डैप डैप करके अप्लाई कर रही हूँ, हमें ड्रैग नहीं करना है वरना जो नीचे हमने जो करेक्शन किया है वो हट जाएगा पूरा गाइस। सो इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि जब भी आप फाउंडेशन, कंसीलर कुछ भी अप्लाई कर रहे हैं आपको ड्रैग नहीं करना है, आपको
यू नो डैप डैप करना है। सो अब हम क्या, यहाँ पे जो मैंने फाउंडेशन यूज़ किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने नार्स का फाउंडेशन यूज़ किया है, ये रेडियंट वाला है। नार्स में भी काफ़ी वेरिएंट आते हैं, जैसे उसका शीयर ग्लो भी आता है, मैट भी आता है, जो भी आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। बट मुझे ये जो रेडियंट वाला है ये बेस्ट लगता है, अभी तक का मुझे सबसे अच्छा यही लगा है। और ये पंजाब जो शेड है मीडियम वन शेड है, और ये काफ़ी वर्सेटाइल शेड है गाइस। सो अब मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, पूरे फेस पे मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। इससे क्या होता है गाइज, जो हमारा फाउंडेशन अप्लाई जो होता है वो बहुत इवनली अप्लाई होगा, कहीं ज़्यादा कहीं कम ऐसा नहीं होगा। जब हम अच्छे से यू नो एक बार में ही एक स्ट्रोक में अप्लाई करेंगे तो इवनली पूरे फेस पे अप्लाई हो जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा ट्रिक एंड टिप है जो मैं हमेशा अप्लाई करती हूँ, कि फाउंडेशन को पहले अच्छे से इवनली अप्लाई कर दूँगी। और आप देख सकते हैं कि हम, मैं नेक पे भी सेम कलर का फाउंडेशन लगा रही हूँ, सो दैट हमारा जो नेक और फेस का जो कलर हो वो सेम लगे, बहुत डिफरेंट ना लगे गाइज। अब मैं लंदन प्राइम के बफिंग ब्रश को लेके मैं अच्छे से जो भी मैंने फाउंडेशन यहाँ पर अप्लाई किया है इवनली, उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब आप देख सकते हैं मैं हर एक कॉर्नर पे, हर एक जगह में अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, यहाँ तक कि मैं फाउंडेशन को मैं ईयर्स पे भी लगा रही हूँ, जस्ट बिकॉज हमारे ईयर्स और फेस का जो कलर है वो भी डिफरेंट ना लगे। बहुत लोग ये चीज़ नहीं ध्यान देते हैं, बट गाइज अगर यू नो ईयर का कलर और हमारे फेस का कलर या हमारे नेक का कलर बहुत डिफरेंट लगेगा तो ऑब्वियसली वो अच्छा नहीं लगता है। सो आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि आप फेस के साथ साथ नेक और ईयर्स पे भी फाउंडेशन ज़रूर से अप्लाई करिएगा। अब आप देख सकते हैं मैं अंडर आइज़ पे के नीचे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, और जो भी हमारा यू नो एरियाज होते छोटे छोटे, जैसे नोज़ का एरिया, अराउंड द माउथ जो भी एरिया होता है अच्छे से ब्लेंड करिएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, जब भी आप क्लाइंट पे मेकअप करें तो जब आप फाउंडेशन, कंसीलर ये सब अप्लाई करें, स्पेशली जब क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट्स आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने क्लाइंट्स को बोलिए कि वो अभी बात ना करें। जब आप उसको पाउडर से सेट कर देंगे सो ऑब्वियसली वो जब सेट हो जाएगा तब वो थोड़ी बहुत बात कर सकते हैं। अगर यू नो बिना पाउडर सेट करें, अगर सिर्फ क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट अप्लाई किया है और वो बात कर रहे हैं सो मे बी उसे तो उनके लाफ लाइंस आने लग जाए, तो फिर हमारा ये हो सकता है गड़बड़। सो येस, दैट्स अ टिप। अब मैंने यहाँ पे टार्ट का कंसीलर लगा दिया है, ये शेप टेप कंसीलर है इन द शेड लाइट न्यूट्रल, एंड ये इनके यू नो जो स्किन टोन है ये काफ़ी अच्छे से जा रहा था सो मैंने लगा दिया था। एंड येस, सो हमें हाईलाइटिंग एरियाज पे जहाँ जहाँ हमें हाईलाइट करना है वहाँ हम हाईलाइट कर देंगे, कंसीलर अप्लाई कर देंगे। एंड आप टू फेस का भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं, जैसे वनीला हो गया, स्नो हो गया, उसके काफ़ी कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, और बहुत सारे यू नो कलर वेरिएंट हैं, टू फेस में भी है, टार्ट में भी है, विच एवर यू वॉन्ट। एंड गाइज अगर आप ज़्यादा यू नो हाई एंड या ज़्यादा महंगा कंसीलर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते तो आप फॉर एवर 52 का भी यूज़ कर सकते हैं, रिकोट के भी अब कंसीलर्स आ गए हैं, एंड मेबलिन के भी हैं, लॉरियल के भी, सो आप चेकआउट कर सकते हैं। विच एवर कंसीलर यू लाइक यू कैन परचेज अकॉर्डिंग टू योर बजट एंड अकॉर्डिंग टू योर नीड एंड प्रेफरेंसेस। सो अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने एक स्मॉल कंसीलर ब्रश लिया है, ये मैं बाइली का ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ, एंड इसको मैं जो मैं जहाँ जहाँ मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वहाँ वहाँ मैं अच्छे से ब्लेंड कर दे रही हूँ, ताकि कोई भी यू नो एरिया हमारा ना छूटे, इसलिए मैंने स्मॉल कंसीलर ब्रश लिया। अभी आप देख सकते हैं मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, एक भी एरिया को छोड़ना नहीं है, हर एरिया को अच्छे से ब्लेंड आउट करना है, सो दैट हमारा जो बेस है वो इवन लगे और अच्छे से ब्लेंडेड लगेगा। क्योंकि वो जो वाइट वाइट कास्ट या पैचेस पड़ जाते हैं इसी का रीज़न होता है, अगर हम उसको अच्छे से ब्लेंड नहीं करेंगे तो हमारा वाइट कास्ट आ जाएगा, पैचेस आ जाएंगे, जो हमें नहीं चाहिए मेकअप में। अब आप देख सकते हैं मैं नेक पे भी सेम कंसीलर थोड़ा सा मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि यू नो फेस बहुत ज़्यादा फेयर और नेक बहुत ज़्यादा डल ना लगे, सो मैंने हल्का हल्का ब्रश वहाँ भी मैंने कर दिया है। अब इसके बाद मैंने ये फॉरएवर 52 का ब्लेंडर लिया, ये डैम ब्लेंडर है, हमेशा हमें डैम ब्लेंडर ही यूज़ करना है गाइज, हमें ड्राई या फिर बहुत ज़्यादा वेट नहीं यूज़ करना है, डैम करना है। सो अब मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, जैसे इनके अंडर आइज़ के यू नो अंडर आइज़ के एरिया में एंड यू नो फेस पे मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब हमारा जो बारी आती है वो पाउडर सेटिंग की आती है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, मैं बेक कर रही हूँ, बेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मी आपको बेक करना चाहिए अंडर आइज़ पे, एंड जहाँ जहाँ लाफ लाइन्स आ सकती है वहाँ वहाँ बेक कर दीजिए। ये मैं शनल का पाउडर यूज़ कर रही हूँ इन द शेड ट्रांसलूसेंट, एंड इसके पहले मैं लॉरा मर्सिया यूज़ कर रही थी, बट
शनेल इज़ वेरी वेरी गुड, लॉरा मर्सियर इज़ ऑल्सो गुड, बट मुझे पता नहीं कि वो शनेल ज़्यादा अच्छा लगा है, बट हाँ वो अपनी जगह अच्छा है और शनेल अपनी जगह अच्छा, दोनों ही अच्छे हैं, विच एवर यू लाइक गाइस आप ले सकते हैं, बट हाँ दोनों ही पाउडर अपनी अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं। एंड अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं जहाँ जहाँ लाफ लाइन्स आ सकती वहाँ पर बेक करूँगी। बेकिंग करने के बाद अब मैं एक फ्लफी पाउडर ब्रश मैंने लिया है, ये लंडन प्राइम का ब्रश है, और मैं अच्छे से हल्का हल्का पाउडर पूरे फेस पे सेट कर रही हूँ। अभी आप देख सकते हैं वो लूज पाउडर थोड़ा सा ब्रश से हट गया था, फिर से मैं बेक कर रही हूँ, हल्का हल्का पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, जस्ट बिकॉज गाइज मुझे ना अभी अंडर आई वर्क भी करना है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी अंडर आई क्रीजेज आए या फिर फॉल आउट हो, कि बेस ख़राब हो जाएगा उससे। इससे अच्छा है कि आप पाउडर लगा दीजिए और जो भी फॉल आउट होगा आप उसको बाद में पाउडर के साथ वाइप आउट कर दीजिएगा। इसके बाद आज जो लाइनर है गाइज वो बहुत ही डिफरेंट होने वाला है, आज नॉर्मल विंग लाइनर नहीं होगा, आज मैं स्मज लाइनर लगाऊंगी। और सबसे पहले क्या करना है, हमें रिकोट की पेंसिल लेनी है, आप कोई भी काजल पेंसिल, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, एनी कलर यू वांट यू कैन टेक। उसके बाद आपको एक हल्की सी पतली सी लाइन बनानी है और फिर ब्लैक आई शेडो लेकर एक स्मॉल आई ब्रश या फिर स्मॉल फ्लफी ब्रश लेके आपको ब्लेंड करना है, स्मज करना है आपको। मैं ये यहाँ पे लिक्विड लाइनर मैं आज नहीं यूज़ करूँगी, आज मैं स्मज कर रही हूँ लाइनर को, ये बहुत ही सुंदर टर्न आउट हुआ था। सो गाइज मैं सेम प्रोसीजर दूसरी आईज पर भी फॉलो करूँगी और मैं रिकोड या कोई भी पेंसिल, काजल पेंसिल आप लेकर आप स्मच कर सकते हैं, आप कोई भी कलर ले सकते हैं गाइज, ब्राउन, ब्लैक, जो भी कलर आपका मन हो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो इनका आउटफिट था उसमें थोड़ा सा ग्रीन टिंट भी था, बॉटल ग्रीन बोल सकते हैं। सो मैंने क्या किया है, मैंने हल्का सा ग्रीन लाइनर लगाया है, ये के ब्यूटी का काजल है एंड ये बहुत ही सुंदर काजल है गाइस, इसका कलर बहुत सुंदर है। जब मैंने अप्लाई किया था तो इनके आउटफिट से एकदम मैच कर रहा था और बहुत सुंदर लग रहा था। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक हल्का सा ब्राउन कलर लेके फिर मैं उसको मर्ज कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ, सो दैट हमें एक स्मच लुक मिले एंड वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं काजल लगा के उसको थोड़ा स्मच कर लेते हैं हम लोग, तो वो काफ़ी अच्छा इफेक्ट और बहुत अच्छा लुक देता है। एंड ये प्रोसीजर मैं दोनों आईज पे फॉलो कर रही हूँ, अभी आप देख सकते हैं मैं हल्के हल्के हाथों से कर रही हूँ। और जब भी आप ये प्रोसीजर करें गाइज, ये प्रोसेस करें, तो हमेशा अपने क्लाइंट को या अपने मॉडल को बोलें कि आप ऊपर देखें ताकि उनके आईज पे बहुत ज़्यादा इचिंग या कुछ ना हो, क्योंकि इसमें पाउडर अंदर जाता है तो कभी कभी इचिंग हो जाती है। उसके बाद मुझे काजल थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने और लगाया है, क्योंकि इसका जो कलर है वो बहुत ही सुंदर था, सो दैट्स व्हाई आई एम अप्लाइंग अगेन। यस, अब क्या किया है, अब मैंने अंडर आई वर्क पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड ये पाउडर ब्रश से मैं जितना भी फॉल आउट हुआ है, जो भी पाउडर इनका एक्स्ट्रा लगा था, सब कुछ मैं वाइप आउट कर रही हूँ विद द पाउडर ब्रश। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे के ब्यूटी का ब्लशर लिया है इन द शेड स्वीट आलमंड, ये भी बहुत अच्छा कलर है एंड हल्का हल्का ब्लशर अप्लाई कर रही हूँ विद द ब्लशर ब्रश विच इज़ फ्रॉम लंडन प्राइम। और अब आप देख सकते हैं कि मेकअप जैसे जैसे पूरा होता जा रहा है वैसे वैसे लुक धीरे धीरे क्रिएट हो रही है। पहले अब आपको लग रहा होगा कि फेस एकदम वाइट था, अब धीरे धीरे मैं उसको शेडोज दूंगी, पिंक, ब्राउन एंड धीरे धीरे हमारा मेकअप सेटल डाउन भी होगा। सो इनका जो लुक टर्न आउट हुआ था ये काफ़ी अच्छा टर्न आउट हुआ था। इसके बाद अब मैं यहाँ पे हुला का ब्रॉन्जर लगा रही हूँ एंड ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ गाइज, मैंने कॉन्टोरिंग नहीं की है बिकॉज इनके फीचर्स ऑलरेडी बहुत शार्प थे और बहुत ही अच्छे थे, सो दैट्स वाई मुझे कॉन्टोरिंग की कोई ऐसी नीड लगी नहीं, मैंने हल्का हल्का बस ब्रॉन्जिंग कर दी थी एंड येस एंड फॉरहेड पे ब्रॉन्जिंग कर देना है, चीक्स पे ब्रॉन्जिंग करना है ताकि हमें एक शेडो मिल जाए बस, क्योंकि इनको कोई बहुत हैवी कॉन्टोरिंग की ज़रूरत नहीं थी। गाइज जहाँ जहाँ हमारे एरिया फेस एरियाज़ पे जहाँ जहाँ ब्रॉन्जिंग होती है वहाँ वहाँ मैंने ब्रॉन्जिंग कर दी है, जैसे कि आप देख सकते हैं नेक एरिया पे किया है एंड चीक्स, फॉरहेड एंड नोज़ के लिए मैं हमेशा क्या करती हूँ, मैं एक स्मॉल फ्लफी ब्रश प्रेफर करती हूँ बिकॉज मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है एंड ईजली इससे ब्रॉन्जिंग हो जाती है एंड कहीं इधर उधर भी नहीं होता, शेप में आ जाता है एंड ये मुझे बहुत ही कन्वीनियंट वे लगता है ब्रॉन्जिंग करने का। अब आप देख सकते हैं गाइज ब्रॉन्जिंग ब्लशर लगने के बाद एक फेस पे एक डेफिनेशन
आ गई है जो बहुत ही, अभी देखिएगा आप जब इनका लुक टर्न आउट होगा बहुत ही सुंदर आएगा। मैं शायद 2-3 बार बोल चुकी हूँ बिकॉज पर्सनली मुझे इनका लुक बहुत अच्छा लगा था। अब आती है हमारे हाइलाइटर की बारी। यहाँ पे मैंने डायोर का हाइलाइटर लगाया है एंड आपको पता है कि ये हाइलाइटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि इसमें बिल्कुल भी चंकी पार्टिकल्स नहीं है। ये बहुत एक सटल सा बहुत प्यारा सा ग्लो बस देता है। ये नहीं कि ऐसा नहीं लगता कि हमने बहुत ज़्यादा हाइलाइटर बहुत ज़्यादा लगा दिया, बहुत ज़्यादा थोप दिया, ऐसा कुछ भी नहीं लगता है। बहुत सटल सा लुक होता है। अब जहाँ जहाँ हमारे हाइलाइटिंग एरियाज होंगे गाइज, वहाँ वहाँ मैं हाइलाइटर लगा दूँगी अच्छे से, लाइक नोज़ पे बहुत ही हल्का हल्का लगा रही हूँ, चिन एरिया, फॉरहेड एंड चीक्स पे, ताकि वो जो एरियाज़ है वो हाइलाइट हो जाए और वहाँ से एक एक ग्लो जब दिखता है उस एरियाज़ पे तो काफ़ी अच्छा लगता है। सो गाइज अब मैं क्या कर रही हूँ, या मैं ब्राउ बोन को हाईलाइट कर रही हूँ। सेम हाइलाइटर जो डायोर का हाइलाइटर मैंने यूज़ किया था उसी हाइलाइटर से मैं ब्राउ बोन को भी हाइलाइट कर दे रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि एक ब्राउ बोन पे हाइलाइट मैंने कर दिया और एक पे नहीं किया तो कितना डिफरेंस हो जाता है। और हमें ऐसी इनर कॉर्नर्स को भी हाईलाइट करना है और मैं दूसरे वाले ब्राउ बोन को भी हाईलाइट कर दे रही हूँ सेम डायोर के हाइलाइटर से। आप कोई भी हाइलाइटर यूज़ कर सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी कि यही हाइलाइटर यूज़ करना है, विच एवर यू वॉन्ट। एंड यू कैन ऑल्सो यूज शिमरी आई शेडो फॉर हाईलाइटिंग द ब्राउ बोन एंड इनर कॉर्नर्स। सो गाइज अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ये लिपस्टिक का है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मैक के लिप लाइनर से मैंने एक बाउंड्री बना दी है ताकि अगर मैं जब इनका लिपस्टिक लगाऊंगी तो मैं आसानी से लगा पाऊंगी और मुझे पता होगा कि कैसे लगानी है और कहाँ लगानी है। सो ये भी बहुत अच्छा एक एक मेथड है, आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले आप लिप लाइनर से लिप लाइन कर लीजिए, फिर उसके अंदर आप लिपस्टिक फिल इन कर लीजिए विद ब्रश। अब मैंने अच्छे से यहाँ पे लिप लाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे कलर बार की लिपस्टिक अप्लाई कर दी है। और गाइज़ आप जानते हैं कि मैं ना लिपस्टिक को बहुत मिक्स एंड मैच करती हूँ क्योंकि जब तक मुझे एक परफेक्ट शेड नहीं मिलता है तो मैं मिक्स कर लेती हूँ। न्यूट को अगर मैंने बहुत डार्क कर दिया तो मैं उस पर लाइट कलर न्यूट शेड लगा के उसको मैं न्यूट कर लेती हूँ। मुझे लगता है कि इस पर लाइट नहीं जाएगा, डार्क जाएगा, तो मैं उस पर डार्क लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। सो इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस एंड अपॉन व्हाट टाइप ऑफ मेकअप यू आर। सो लिपस्टिक पूरा डिपेंड करता है हमारे आई मेकअप पे, हमारे लुक पे, कि हमारा यहाँ कौन सा लुक है और हमने कैसा आई मेकअप किया है, उस हिसाब से ही हम लिपस्टिक भी लगाते हैं। सो अब आप देख सकते हैं गाइस कि इनका जैसे जैसे लुक होता जा रहा है, इनका लुक बहुत ही सुंदर हुआ था। और मैंने क्या किया था कि मैंने नेक पे भी हाइलाइटर अच्छे से लगा दिया था, सेट कर दिया था पाउडर से, फाउंडेशन से, सो दैट इनका जो फेस और नेक का कलर डिफरेंट ना लगे। फिर हमारा जो लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप होगा फिक्सर का, या मैंने फॉरएवर 52 का फिक्सर यूज़ किया है। वेरी नाइस फिक्सर गाइस, बहुत ही अफोर्डेबल है और बहुत ही अच्छा फिक्सर है। अगर आप चाहें तो आप इसको ले सकते हैं, मुझे अभी तक का बेस्ट फिक्सर लगा है इन द अफोर्डेबल रेंज, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद मैंने ये पोर्टेबल फैन से ड्राई आउट कर दिया है। और फिर आईब्रोज़ के लिए मैंने यहाँ पे एनेस्थासिया बेवरी हिल्स की ब्राउ जेल पोमेड लेकर मैंने यहाँ पे इसको फिल इन कर दिया है। ये काफ़ी अच्छा ब्राउ फिलर है, आप यूज़ कर सकते हैं। द लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज़ मस्कारा। ये फेरेरो रुशी का मस्कारा है। अब आप देख सकते हैं मैं लोअर लैशेस पे अच्छे से मस्कारा लगा दूंगी सो दैट हमारा जो लोअर लैशेस और अपर लैशेस है वो अच्छे से दिखे। एंड यस, सो देख सकते हैं कि मैंने एक आईज पे लगा दिया है, दूसरी आईज पे भी लगा दूंगी एंड इट्स अ वेरी गुड मस्कारा। एंड गाइज, जिन्होंने मेरा YouTube सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ गाइज गो एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल। मैं काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस और भी आप लोगों के लिए लाऊंगी। हो सकता है कि मुझे लॉन्ग वीडियोस लाने में थोड़ा सा डिले हो जाता है बट मैं शॉर्ट्स रोज़ डालती हूँ, आप शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे अपर लैशेस पे भी इनका मस्कारा लगा दिया है, सेम मस्कारा यूज़ किया है फेरेरो रुशी का ही। इसके बाद हम इनको आई मैजिक की लैशेस भी अप्लाई कर देंगे। एंड गाइज, जब भी आप मस्कारा अप्लाई कर रहे हैं सो अपने क्लाइंट या फिर अपने मॉडल को बोलिएगा कि वो नीचे की तरफ देखें ताकि उनके आईज़ पे ना लगे, बिकॉज मस्कारा अगर फैल जाता है थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बट वो ठीक हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉर द सेफर साइड आप ये बोल सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे आई मैजिक की लैशेज इनको अप्लाई कर दी और मैंने जो ग्लू यूज़ किया था वो पैक का ग्लू यूज़ किया था, वो भी काफ़ी अच्छा ग्लू है। एंड गाइज, नाउ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट स्टेप जो हम बहुत लोग भूल जाते हैं जब भी हम मेकअप करते हैं, हमारे हेयर्स पे आप देखा होगा आपने कि हम हेयर्स पे फाउंडेशन लग जाता है।
सो प्लीज़ गाइज आई विल रिक्वेस्ट कि ये स्टेप प्लीज़ कभी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है जब फ़ोटोज़ वीडियोज़ बनती हैं. सो प्लीज़ अब इसको रिमूव कर दीजिएगा. एंड गाइज ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है जहाँ पे आप लोग जाके फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स डालती हूँ. एंड गाइज नाउ द फाइनल लुक इज़ हियर फॉर यू. सोच तुझे तो है शोभा, सोच तुझे तो शाम है, तेरे आग में ही जलते कोयले से हीरा बनते, ख्वाबों में आगे चलते हैं तुझे बताना तेरे वास्ते. Thank you for watching. Take care. Bye-bye, guys.